A few moments later. टाइम लगेगा कितना दिन लगेगा? कम से कम 10 साल और लगेगा पूरा मंदिर करने में। अभी तो यहाँ गौतम बुद्ध का मंदिर है, यहाँ पूजा करते हैं माँ सरस्वती। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सबको हमारे YouTube चैनल एनकेएम ब्लॉग्स में। तो आज है मकर संक्रांति और आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे गांव का नदी, जो कि कुछ इस तरह है। हम लोग पहले भी आप लोगों को वीडियो में दिखा चुके हैं यहां का नज़ारा। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं जगदीश के साथ हम लोग का गांव का नदी, जो कि कुछ इस तरह है। तो यहां हम लोग का ब्लॉग में पूरा बने रहिए, और हमारे चैनल में कोई नए हैं तो हमारे YouTube चैनल एनकेएम ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो में तक बने रहिए। चलिए आप लोग को दिखाते हैं नदी, कितना ज़्यादा भीड़ है नदी में और कितना आदमी नहाने के लिए आए हैं। तो मौसम ख़राब होने के कारण ज़्यादा आदमी तो नहीं आया है इस साल, अगले साल जितना आदमी आया था। तो मेरे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा नदी का सीन। लोग प्रसादी वितरण कर रहे हैं, तो उनसे आइए हम कुछ बात करते हैं और किस चीज़ का प्रसादी वितरण कर रहे हैं और क्या है। तो चलिए कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स बाबा जी, बताओ किस चीज़ का प्रसादी वितरण कर रहे हैं? मकर संक्रांति का वितरण कर रहे हैं प्रसादी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार महतो। अच्छा महतो, बेटा आप ये जो क्या क्या टीका है? ये चंदन टीका है। अच्छा, तो हर आदमी को आप लगा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग कितने आदमी हैं? हम लोग 3-4 आदमी। फीस कितना करके मिल रहा है? तो मेरे सब्सक्राइबर को कुछ आप लोग बढ़ा दीजिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे इतना कुछ बोलने के लिए। तो फिर आगे बनी रही हमारे चैनल में, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, जो यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, तो जो प्रसाद वितरण कर रहा है हमारे गांव के जाने माने आदमी हैं, तो उससे हम मिलाते हैं जो क्या क्या प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो वीडियो पर कंटिन्यू मिलाते बने रहिए, आप लोग दिखाते हैं। Few moments later. तो आज यहाँ आप मकर संक्रांति के दिन आप प्रसाद वितरण करते हैं, तो
आज यहाँ काफ़ी आदमी यहाँ नहाने के लिए आए हैं, तो लगभग आप कितना आदमी को प्रसाद अभी तक वितरण कर चुके हैं? अभी तक करीब 4000 आदमी को प्रसाद वितरण कर चुके हैं। कितना आदमी? कम से कम 6000 आदमी, टोटल 10000। इस साल लॉकडाउन होने के बाद भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, 15000 से लेकर 20000 तक प्रति वर्ष आते हैं। मौसम का थोड़ा ख़राब है, लाइट तो भी 10000 आने का अनुमान। ये हमारे बोध बिहार में प्राय आदमी लोग दर्शन करने भी आते हैं। देखा 262 ईस्वी पूर्व में सम्राट बनाया गया था, उसी का जीर्णोद्धार। मकर संक्रांति के अलावे बोध संक्रांति भी कहा जाता है। सुजाता एक शूद्र जाति की लड़की थी, जिसने गौतम बुद्ध को अपने पवित्रता एवं प्रतिभा के कारण खीर खिलाई थी। आज ही के दिन बोधगया में निरंजना नदी के तट पर और 49वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके बाद में पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए आज ही के दिन देश विदेश में नदी में स्नान करके गौतम बुद्ध के प्रतिमा के सामने खीर के रूप में प्रसाद वितरण करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग भी यहाँ उसी टाइप से मकर संक्रांति के साथ साथ बुद्ध संक्रांति को भी मनाया जाता है। आदमी लोग आ करके स्नान करके प्रसाद वितरण और पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामना पूरा करने के लिए गौतम बुद्ध के सामने प्रणाम करके इच्छा करते हैं हम लोग, और परिपूर्ण लगभग 6 महीने के अंदर परिपूर्ण हो जाती है। ये मौर्यांगिरी बुद्ध विहार मारांगिरी घाट के नज़दीक है, लगभग 5000 साल पुराना है, सम्राट अशोक के समय से प्रसिद्ध है। कालक्रम में बहुत बड़ा बुद्ध विहार था, शशांक ने आके लूटा, एक मन सोने की प्रतिमा थी उसको भी उठा करके ले गया। उसके बाद सम्राट राजा हर्षवर्धन जो कि बुद्ध राजा थे, उन्होंने इसको पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद हंसांग भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ बहुत भक्त मंदिर देखा था। उसके बाद बंगाल के राजा पालवंश के बुद्ध राजा थे धर्मपाल और देवपाल, उन लोगों ने भी पुनर्निर्माण किया और राजकोष से इसका मेंटेन खर्चा यहाँ से दिया जाता था। बाद में कालक्रम में नदी के धारा और भूकंप के कारण बुद्ध विहार नष्ट हो गया। पुनः आजकल हम लोग विगत पाँच वर्ष से हम लोग पुनर्निर्माण थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा 2500 साल पुराना जो इसका रूप था उसी को देने का प्रयास कर रहे हैं और सबका जनता का सहयोग मिल रहा है। ये हमारा मौर्यांगिरी बुद्ध विहार पूरे विश्व में भी एक ख्याति प्राप्त करेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। तो यहाँ जो आप मंदिर बना रहे हैं, तो अभी तो पूरा मंदिर बना हुआ नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा? और कम से कम 10 साल और लगेगा पूरा मंदिर करने में। अभी तो यहाँ मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत 3-4 साल से काम चल रहा है, ना कि 5 साल से काम कर चल रहा है। 5 साल से लेकिन अभी तक काम अधूरा है, पूरा नहीं हो चुका है, और 10 साल लगेगा। हाँ 10 साल कम से लगेगा पूरा करने। उसके बाद बोधगया के टक्कर में यहाँ भी बनने जा रहा है और देश विदेश के आदमी लोग यहाँ आएंगे। बहुत बिच्छु लोग ऐसे कि दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से आते हैं, वो लोग बहुत पसंद किए हैं इस जगह को, इसलिए उम्मीद है कि ये पूरा विश्व में एक तो अपना स्थान और हस्ती रखेगा। ये हमारा बोधगया, ये हम लोग का उम्मीद है। तो आज जैसे कि आदमी यहाँ आए हुए हैं, तो कल तो सती घाट कल भी आते हैं? कल यहाँ कम आते हैं, 1-2 किलोमीटर आगे एक सतीघाट मेला लगता है जो 400 साल पुराना है, वहीं ज़्यादातर आदमी जाते हैं। लेकिन हम लोग का इरादा है कि सतीघाट मेला न करके बुद्ध मेला के नाम से यहाँ भी लगाने का विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग बुद्ध संक्रांति को ही मनाते हैं फिलहाल, बाद में देखते हैं। अगर आदमी लोग ज़्यादा इच्छा रखेंगे तो अभी मनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल में। ठीक है, धन्यवाद। A few moments later. लेट घर में थोड़ा काम था, इसी चलते आए। आप जानते हैं जो मकर संक्रांति है, तो इतना लेट करने से कैसे होगा? सुबह को नहाना चाहिए। नहीं सुबह नहीं, ठंडा भी है, मौसम खराब है, इसी चलते थोड़ा लेट हो गया घर में। थोड़ा क्या वजह कि अगले साल आदमी के यहाँ भीड़ ज़्यादा था, इस साल ज़्यादा भीड़ नहीं है? मौसम खराब के चलते ठंडा में आदमी आ नहीं पा रहा है, गांव घर में नहा रहा है, इसी चलते आदमी कम हो रहा है।
फिर आदमी आएगा छूटेगा, अभी आदमी तो आइए रहा है, गाँव घर से आवे नहीं किया है। लगभग कितना आदमी यहाँ आते हैं मकर संक्रांति? अरे 7,000-5,000 आदमी मकर संक्रांति के दिन यहाँ नहाने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए। स्वर्ण रेखा नदी पवित्र नदी है, निकलते हैं आते हैं बराबर आदमी लोग, यहाँ नहाते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध का मंदिर है, यहाँ पूजा करते हैं, माँ सवर्णी का मूर्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखिए कितना गाड़ी मोटरसाइकिल लगा हुआ है, देखिए चारों तरफ, इधर भी, इधर साइकिल है, उधर भी आगे गाड़ी है, इधर देखिए कितना गाड़ी है, देखिए बहुत आदमी आए हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंडिंग करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल NKM ब्लॉग्स में कोई अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल NKM ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई को इसी तरह प्यार देते रहें। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग।